हेलो एंड वेलकम टू सुमन देश। मैं हूँ शुभम और आज हम लोग बात करेंगे NTA 2020 का जो एक नया फैकल्टी लॉन्च हुआ है, ठीक है। उसमें 48 कोर्सेज हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं उसमें इनरोल, सब कुछ आपको बताया जाएगा, क्या कुछ क्राइटेरिया है। अगर उससे पहले बताना चाहूँगा, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से सबसे पहले देख लीजिए, आप अगर मार्क्स जो कोर्स है उसमें अगर मार्क्स आप 80% से ज़्यादा ले आते हैं तो आपको ए ग्रेड मिल जाएगा, 70 से 79 तो बी ग्रेड मिल जाएगा, और 60 से 69 है तो ग्रेड सी मिल जाएगा, 50 से 59 है तो ग्रेड डी मिल जाएगा, और लेस देन 50 है तो कोई भी फेल आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका स्नैपशॉट आप लोग ले सकते हैं, और सर्टिफिकेट पाने के लिए 50% से ज़्यादा आपको जो है पर मार्क्स लेना आना ले आना है आपको, इसे बताया गया है। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए। एग्जामिनेशन 48 कोर्सेज है, 3 आवर्स का ड्यूरेशन है, 100 क्वेश्चन होता है, 100 MCQ, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग सबसे मस्त बात है। डाउनलोड द स्टडी मटेरियल 48 कोर्सेज फॉर ऑफिशियल वेबसाइट, आपको समझ लो ऑफिस फॉर्म पोर्टल से आप जो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फैकल्टी लर्नर के लिए यहाँ पर कुछ बताया है, जैसे टीचर सेलेक्टेड NTA ARPT 2020 टीचर सेलिब्रेट टू कैटेगरी एलिजिबल अपेयर फॉर द ARPT एग्जाम्स। दो तरह के, एक है MHRD हैज़ डिजाइन द ARPT प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स वर्क इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। द लर्नर हैज़ एनरोल एनी ऑफ द 48 कोर्सेज एलिजिबल अपेयरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स। ओनली फैकल्टी लर्नर्स प्रोवाइड फैकल्टी ID प्रूफ्स, अपॉइंटमेंट लेटर, लेटेस्ट पे स्लिप्स, प्रमोशन ऑर्डर and their ID proofs. Non-faculty learners can also take the ARPIT exam, टीचिंग एग्जाम, ठीक है। तो आप लोग नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कैंडिडेट बिलोंग्स द टू बिलो कैटेगरीज, तो यहाँ पर क्या कोर्स में आपको मिलेगा तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्या कोर्स है इसमें, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बताया गया है और आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, द NTA कंडक्टेड द एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग 2020 प्रोफेशनल डेवलपमेंट 15 लाख हायर एजुकेशन फैकल्टी 30 नवंबर 2018 हिज मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD ऑफिशियल इज लॉन्च द एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग एंडिंग द प्रोफेशनल डेवलपमेंट एजुकेशन फैकल्टी यूजिंग MOOCs प्लेटफॉर्म स्वयं एंड 2019 टोटल 146,199 ARPT कैंडिडेट हैव टेकन अप द ऑनलाइन स्वयं MOOCs कोर्सेज। मतलब अभी जो है स्वयं MOOCs कोर्सेज इन साल 14 लाख स्टूडेंट ने बाई कर चुके हैं, तो यही बताया गया है। और यहाँ पर क्या बताया गया है, HRD मिनिस्टर द पोखरियाल एप्रोप्रिएट द ARPIT टीचिंग एग्जाम कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचिंग्स इन द मिनिस्टर ऑफ स्टडी ARPIT विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन द ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट 1.5 मिलियन हायर एजुकेशन फैकल्टी यूजिंग MOOCs प्लेटफॉर्म स्वयं MHRD ऑल्सो टेक द 1 लाख टीचर्स एनरोलमेंट AIT एट द कोर्सेज। और यहाँ पर बताया गया है 1 लाख टीचर्स एनरोलमेंट एट ARPT कोर्सेज एंड 2019 आपका जो यहाँ पर 1 लाख टीचर हैं इसके लिए, ठीक है। तो यही कारण यहाँ कुछ कोर्स मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला कोर्स हो गया इमर्जिंग एरियाज इन हॉस्पिटलिटी प्लानिंग डिज़ाइन एंड फैकल्टीज मैनेजमेंट नंबर 1। नंबर 2 ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स एंड केमिस्ट्री फॉर हायर एजुकेशन फैकल्टी 2019। नंबर 3 कॉम्पोनेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स फॉर ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन मैनेजमेंट। नंबर 5 जेंडर वुमेन स्टडीज। 5 नंबर 6 अ गाइड फॉर टीचर्स ऑल डिसिप्लिन। नंबर 7 द ट्रेंड्स ऑफ द मॉडर्न गुजरात लिटरेचर। नंबर 8 ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन लॉ। 9 कॉन्सर्न्स इन एजुकेशन रिसर्च एंड असाइनमेंट। नंबर 10 ट्राइबल स्टडीज। नंबर 11 बिग डाटा एनालिसिस फॉर स्मार्ट ग्रिड। नंबर 20 रिट कल्याण हिंदी सहायता। नंबर 13 करिकुलम पेडियोलॉजी एंड इवोल्यूशन फॉर हायर एजुकेशन। नंबर 14 ऑनलाइन रिसर्चर कोर्स इन फिलोसॉफी। नंबर 15 रिसर्चर कोर्स इन कॉमर्स। नंबर 16 रिफ्रेशर कोर्स इन इकोनॉमिक्स। नंबर 17 एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्रामिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। नंबर 18 रिफ्रेशर कोर्स टीचिंग एंड टीचिंग हायर एजुकेशन। नंबर 9 ऑनलाइन रिफ्रेशर्स कोर्स इन मेथोडोलॉजी एंड टीचिंग संस्कृत। लीडरशिप नंबर 20 लीडरशिप एंड गवर्नमेंट हायर एजुकेशन लेवल 2। नंबर 21 रिफ्रेशर कोर्स इन फिजियोलॉजी 2019। नंबर 22 असाइनमेंट ऑफ द प्रैक्टिकल एंड सोशल स्किल इन हायर एजुकेशन। नंबर 3 पेडियोलॉजिकल इनोवेशन एंड रिसर्च मेडियोलॉजी। नंबर 24 स्टैंड एंड स्टेलर सिस्टम। नंबर 25 फाइनेंशियल मार्केटिंग इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स। नंबर 26 सुस्टेनेबल कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स एंड टेक्निक सुसंतिवल, ठीक है। तो प्रोनाउंस करने में कोई दिक्कत होता है, 25 हम जितना फास्ट कर रहे हैं कोई भी गलत होती हो सकता है या प्रोनाउंस करने में, तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। 27 हो गया स्किल्स न्यू एजुकेशन आर्किटेक्चर। 28 डाटा एनालिटिक्स फॉर सोशल साइंस एंड टीचर्स। 29 इमेजिनिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर
लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सर्विस 30 ए प्रैक्टिकल रिफ्रेशर्स फॉर कंप्यूटर साइंस 31 द प्रैक्टिकल रिफ्रेशर कंप्यूटर इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल मेथड्स एंड सिविल इंजीनियरिंग 33 फुल एनालिसिस एंड एप्लीकेशन 34 इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन 35 कन्वर्टिव हीट ट्रांसफर एंड फंडामेंटल एप्लीकेशन 36 मास ट्रांसफॉर्मेशन 1 टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग 38 हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी 39 ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन आर्ट्स लिटरेचर एंड कल्चर 41 ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन हिस्ट्री 41 ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन पॉलिटिकल साइंस 42 उर्दू रिफ्रेशर कोर्स 43 प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ होम साइंस फैकल्टी 44 एडवांस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 45 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नंबर 46 ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन फार्मेसी इन हायर एजुकेशन नंबर 47 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड सेंसर एप्लीकेशन नंबर 48 एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो यही तक घुमा फिरा कि आप कुछ कोर्सेस है, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, तो फिर से उसमें वीडियो बना देंगे। तो घुमा फिरा के यही था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वुड बी कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन हु आर थ्रू द स्वयं फैकल्टी सर्टिफिकेट यूज द अवेलेबिंग द इक्विवेलेंट इक्विजन यूजीसी एंड रेफर्ड कोर्स करियर एडवांटेज स्कीम्स नॉन फैकल्टी लर्नर्स वुड बी द सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्वयं। अगर आप लॉन अपना अपना फैकल्टी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या बीटेक करते हैं, आप किसी भी स्ट्रीम में चाहे हो गया कंप्यूटर साइंस हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या मैकेनिकल हो गया, तो आप अगर उसी फील्ड में हैं, उस फील्ड में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, हम आपको एग्जांपल लेते हैं, आप अगर फिजिक्स में हैं, ठीक है, आपको केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप अगर कंप्यूटर साइंस में हैं, आप अगर मैकेनिकल में करना चाहते हैं, मैकेनिकल स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यही कुछ बताया गया है, और तो वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं, बहुत बड़ा हो गया। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, कहाँ पर रहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।